असलम एवरीवन आई होप कि आप सब लोग खरीद से होंगे मैं हूं असद अली यू यूर वाचिंग अपना घर डॉट पीके। सो व्यूअर्स आज हमारे पास मौजूद है सेवन मरला डबल स्टोरी हाउस और दिस हाउस फॉल्स इन ए प्लस क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इस घर के हवाले से आई कैन डेफिनेटली से यार दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट हाउसेज वन ऑफ द फाइनेस्ट हाउसेज जो कि हमने शूट किए हैं सेकेंडली uh, ये चीज़ आप लोगों को बड़े क्लियरली पता है कि मैं uh, हर घर की तारीफ नहीं करता बहुत लिमिटेड हाउसेज होते हैं जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ और उसके पीछे कुछ सॉलिड रीज़न होती है तो आप इस वीडियो में वही रीजन देखेंगे आज सबसे पहले हम देखते हैं इस घर के सामने वी हैव गॉट एटी फीट वाइड मेन बुलेवर्ड जो कि इस घर के सामने है और दिस इज द मेन डबल रोड और इसके साथ जहाँ पे काफ़ी सारे घर बने हुए हैं काफी हद तक जो है वो यहाँ पे आबादी अब हो चुकी है और इसके साथ साथ घर के जो ऊपर टेरिस है वहां से नीचे का व्यू भी बहुत प्यारा है सो so, ओवरऑल इस सोसाइटी की जो एम्बियंस है जो इन्वायरमेंट है एफ एटीन फैसल टाउन इस्लामाबाद में हम आज मौजूद हैं तो सबसे पहले हम करते जी इस घर का एक शॉर्ट एनालिसिस डिजाइन के हवाले से मैंने इस घर को दिए हैं जी 8.5 मार्क्स आउट ऑफ 10 और इसके साथ साथ एन्वायरमेंट के हवाले से भी दिस हाउस एट पॉइंट फाइव मार्क्स फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे हम चलते हैं अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ के परस्पेक्टिव से तो दिस हाउस इज गॉट एट पॉइंट फाइव मार्क्स अगेन वैल्यू फॉर द मनी के हवाले से इस घर को मिले हैं जी आठ मार्क्स और इसके साथ साथ तो अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की तो वो बहुत अच्छी है इस घर की अभी आप लोग आगे चल के देखेंगे तो इस घर को मिलें एट पॉइंट फाइव मार्क्स तो so लाइक like ऑलवेज हम करेंगे जी इस घर का एक हदत फेयर ऑनस्ट और इमपार्शल रिव्यू जिसमें घर के तमाम प्रोज एंड कॉन्स हम आपको बताएंगे इस घर में वैसे ज़्यादा प्रोज ही हैं कॉन्स कम ही हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टोन वर्क वॉल के अंदर देखने को मिलता है घर में थ्रू आउट द हाउस वाइट कलर का एश वाइट कलर का जो है वो इस्तेमाल किया गया जो कि काफी खूबसूरत लग रहा है घर में टाइल फ्लोरिंग की गई है घर में मॉडर्न एक्सेसरीज का यूज किया गया है सीलिंग डिजाइन का जो मॉडरेट uh, किस्म की यहाँ पे यूज की गई है घर के अंदर एंटर होते हैं दिस इज अ सेवन मरला डबल रूम्स हैं इसी तरह फर्स्ट फ्लोर में हमारे पास थ्री बेडरूम्स हैं टाइल फ्लोरिंग हमारे पास यहाँ पे दी गई है अब देखें यहाँ पे राइट साइड पे आप एक तो वॉल देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास निशेज नहीं बनी हुई लेकिन बॉर्डर्स दिए गए हैं और उसके अंदर आपको पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं जो कि काफी खूबसूरत लग रहे हैं और इसके साथ साथ अभी हम एंटर होते हैं टू द वॉशरूम वॉशरूम में अगर हम आते हैं तो आप वॉशरूम में भी देख लेंगे इवन ड्राइंग रूम के साथ जो वॉशरूम होता है लोग उसको सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं लेकिन उन्हें उसमें भी जो है वो आपकी वैनिटी वगैरह यूज की गई है कमोट यूज किया किचन में आते हैं तो हाई ग्लॉसी लेमिनेशन शीट हमारे पास मौजूद है एक अदद विंडो है स्टोव है माइक्रोवेव ओवन है एंड uh, इसके साथ साथ आपके पास काउंटर टॉप भी काफ़ी खूबसूरत है जो आपका मिररिंग का काम हुआ हुआ है जो आपके डोर्स का काम हुआ हुआ है इस घर में वो बहुत अच्छा है और uh, हमारे पास अक्सर यहाँ पे लोग ओपन uh, एयर बनाते हैं लेकिन इसको एज अ लॉन्ड्री यूज़ नहीं करते इन्होंने इसको एज अ लॉन्ड्री यूज़ करने के लिए यहाँ पर उन्होंने टैब्स वगैरह इस्तेमाल किए हैं और टी वी के अंदर आ जाते हैं घर के टी वी इज़ लुकिंग वेरी यू कैन से के डिसेंट अ वेरी ग्लैमरस टी वी लॉन्च और यहाँ से आपका अपस्टेयर जैसा जाता है टुवर्ड्स फ्लोर बैक साइड पे हमारे पास इस घर की सेकेंड एंट्रेंस भी है जहाँ पे आप बाइक वगैरह भी पार्क कर सकते हैं अपना और दिस इज द बेडरूम नंबर वन ऑफ द ग्राउंड फ्लोर और इसमें अगर हम आए अभी तो यहाँ पे हमारे पास टाइल्स दी गई हैं और जो आपका वुडन वर्क है उससे मैं बहुत हद तक इम्प्रेस हूँ जो आपका कबर्ड्स में इस्तेमाल हुई है वुड और इसके साथ साथ सीलिंग में इन्होंने कोई लाल पीला नीला किसी किस्म का कलर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया और अभी यहाँ से हम आते हैं जी टूवर्ड्स द वॉशरूम ऑफ द हाउस और वाशरूम में हम आए तो अगेन वैनिटी दी गई है हमारे पास यहाँ पे इंडियन सीट है इस वाशरूम के अंदर टाइल्स जो हैं वो काफ़ी है। अच्छी कंपनी की मुझे लग रही हैं क्योंकि उनकी फिनिशिंग और उनका कलर जो है वही बता देता है कि यार ये एक अच्छी कंपनी की है और इसके साथ साथ आप में से किसी ने भी अपने घर की शूटिंग करवानी हो तो अपना घर डॉट पी के दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर रबता करके आप लोग हमारी टीम को जो है वो इनवाइट कर सकते हैं और हमारी टीम जो है वो आपके घर की वीडियो शूट करेगी एंड वी विल पोस्ट इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल और यहां से भी हम चलते हैं अपस्टेयर्स और इसके साथ साथ बल्कि पहले एक दफा फिर मैं आपको दिखा दिस तो इज़ द मेन लॉबी यहाँ से आपका सबसे पहले किचन की एंट्रेंस है फिर उसके बाद टीवी लाउंज हैं टू बेडरूम्स हैं और यहाँ से अभी हम जाएंगे अपस्टेयर्स और अप्सचेयर्स के जाने से पहले प्राइस के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं सेवन मरला डबल स्टोरी ए प्लस क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हाउस और वी आर एट फैसल टाउन एफ एटीन इस्लामाबाद इस घर की जो प्राइस है दैट इज़ थ्री करोड़ और uh, वैसे यहाँ पे जो uh, अमूमन मार्केट प्राइस चल रही है दैट इज़ समवेयर अराउंड टू सिक्सटी टू सेवेंटी के करीब लेकिन ऑब्वियसली इस घर में जो काम हुआ हुआ है उसको मद्देनज़र दिखते हुए मार्केट से इस घर की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है और यहाँ से अभी हम चलते हैं जी आ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं फर्स्ट सीसीटीवी सी भी इस घर के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं इसके साथ अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन एलईडी ई रैक है उसका साइज़ काफ़ी अच्छा है और इसके साथ उसमें एक्सेसरी स्टोरेज की भी जो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेसिस मौजूद हैं और यहाँ से हमारे पास मैंने आपको बताया था कि थ्री बेडरूम्स दिए गए हैं इन द फर्स्ट फ्लोर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के अच्छे अच्छे घर हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत के साथ जो है वो लाते रहें ताकि दो तीन रीजनज होती हैं कई तो लोग इन लोगों को वैसे ही घरों को देखते हैं कई लोगों ने आइडिया लेने होते हैं घर देख के और कई लोगों को घर चाहिए होता है तो ऑल दीज फैक्टर्स यू नो रियली मैटर्स और यहाँ से भी हम चलते हैं बाहर और अगेन उसी तरह का हमारे पास वॉशरूम दिया गया जो हमें ग्राउंड फ्लोर पर देखने को मिला था और यहाँ से अभी हम चलते हैं टू द बेडरूम नंबर टू ऑफ द हाउस और अगेन सीलिंग वर्क बिल्कुल सिंपल और एलिगेंट है यहाँ पे और इसके साथ टू डोर कबर हमारे पास दी गई है वॉशरूम में पेंट की क्वालिटी मुझे इस घर की थ्रू आउट द हाउस बहुत अच्छी लगी अभी तक के लिए और इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं वॉशरूम में हम आ जाते हैं फिर यहाँ से हम जाते हैं टू द अगेन टी वी और इसके साथ अभी यहाँ से आगे चलेंगे तो वी आर एट द फर्स्ट फ्लोर ऑफ़ द हाउस और हमारे पास जहाँ पे नीचे मैंने आपको बताया था कि ये लॉन्ड्री एरिया है अमूमा इसको लोगों ने और जो है वो ओपन एरिया रखा होता है वेंटिलेशन के लिए और ये हमारे पास किचन है उसी पोजीशन पे जो हमें ग्राउंड फ्लोर को ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिला था और इसके साथ साथ अभी हम आ जाते हैं टूवर्ड्स द ड्राॅइंग रूम ऑफ़ द हाउस और ड्राइंग रूम को अगर हम देखें तो हमारे पास जहाँ पे अगेन जो वाइट कलर का इस्तेमाल है वो बहुत अच्छे तरीके से किया गया है वाइट और गोल्डन का जो इन्होंने ब्लेंड एक बनाया है वो काफ़ी ख़ूबसूरत लग रहा है देखने में यहाँ से हम आते हैं टेरिस में मेरे लिए ख्याल कि मैंने किसी घर में इतनी खूबसूरत टाइल्स कभी देखी हूँ फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पर कबर्ड भी दी गई है इसके साथ साथ आयरन फ्रेम कटिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पे इसकी रिलिंग भी मौजूद है फिर मेन डबल रोड पर यह घर वाकया है तो यही सारे फैक्टर्स इस घर को मिला के स्पेशल घर बनाते हैं और अभी यहाँ से हम जाते हैं टूवर्ड्स द रूफ टॉप रूफ़ टॉप पर भी मुझे बताया गया कि यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा बेडरूम एक है और इसके साथ साथ अगर आप बात करें तो बेडरूम के साथ ममटी भी दी गई है फिर छत पे भी आपका काम बहुत अच्छा हुआ है और ये काफ़ी सॉफ्ट सी लाइट्स आपको देखने को मिल रही हैं स्टेयर केस पे अक्सर लोगों ने इसको स्टेयर्स के ऊपर ही लगवाया होता लेकिन उन्होंने राइट साइड पे लगवाया है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं और ऊपर हम आ जाते हैं तो दिस इज़ अ बेडरूम और ये आपकी मुमटी थी इसके बाद आपको एक प्रॉपर बेडरूम यहाँ पे दिया गया है जिसमें आपकी आ, मार्बल फ्लोरिंग है सीलिंग वर्क यहाँ पे भी हुआ हुआ है फिर इसके साथ हम आगे आते हैं तो एक अदद वॉशरूम है फिर हमारे पास कबर्ड केस है हमारा फिर एक बेडरूम अलग से है तो टू बेडरूम्स हैं अगर आपके कोई मेहमान काफ़ी ज़्यादा आते हैं तो उस उनके लिए भी ये घर बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि जिस घर में ज़्यादा मेहमान आते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा रूम की हमेशा ज़रूरत होती है तो यहाँ पे ये कमी बड़ी आसानी से पूरी की गई है फिर छत पे आते हैं तो हमारे पास प्रॉपर यहाँ पे जो है वो इन्होंने चिप्स डाली हुई है सीमेंटेड हमारे पास टैंक की वाटर टैंक है जिसका साइज मुझे काफी हद हाँ तक पसंद आ रहा है फिर इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नीचे ओपन टू स्काई एरिया मौजूद है तो अभी करते हैं आज की वीडियो कंक्लूड आई होप कि आपकी आप आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और कोई क्वेश्चन हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना ढेर सारा ख्याल रखें दुआ में लाजमी याद रखें